Hello guys, in the last lecture we talked about the applications of Gauss law. Now in this lecture we'll go further deeper into the Gauss law. Sabse pehle we'll go for some steps while applying the Gauss law. Necessary hai ye steps apply karna, compulsory nahi hai, lekin these are sufficient steps which can be followed to apply the Gauss law. So sabse pehli step hai कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गॉस लॉ हमें यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो जब हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो सबसे पहले वो कौन सा पॉइंट है ये आपको प्रिसाइज पता होना चाहिए ऑब्वियसली. उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उसमें कि क्रिएट द एप्रोप्रिएट गॉसियन शेप. ठीक है ना, एक एप्रोप्रिएट गॉसियन शेप तैयार करना पड़ता है. 100 में से 99 टाइम्स आप आइदर स्पीयर और सिलेंडर तैयार कर सकते हो, लेकिन वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. लास्ट जो हमने एप्लीकेशंस देखे थे उस एप्लीकेशंस के हिसाब से यू कैन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट गॉसियन शेप. बस इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें से ये होता है कि गॉसियन शेप जो है वो कैसे होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. गॉसियन शेप कंपलसरी क्लोज होना चाहिए क्योंकि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सर्फेसेस. After that, find the total Gaussian surface area. जो भी Gaussian surface area है उसका total surface area आपको find out करना पड़ता है. लेकिन क्या पूरा surface area लगता है? नहीं, ऐसा area कि जिस जहाँ पे electric field जो है वो normally pass हो रही है. यानी कल हमने देखा था sheet के example में कि curved surface area से कोई भी electric field normally, कोई भी electric field line normally pass नहीं होती है. On the contrary, जब हम लॉन्ग कंडक्टर के लिए बात कर रहे थे, लॉन्ग कंडक्टर के वक्त वो जो सर्कुलर एरिया था दोनों साइड का एंड एरिया जो होते हैं सिलेंडर के, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही थी. सो नॉर्मली पास नहीं हो रही थी. सो द थिंग इज कि आपको टोटल गॉसियन सर्फेस एरिया कौन सा चाहिए. टोटल गॉसियन सर्फेस एरिया आप टोटल गॉसियन शेप आप तैयार करो, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि पूरे शेप में से सभी जगह से नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकले. सो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से बाहर निकल रही है वो टोटल सर्फेस एरिया आपको पता होना जरूरी होता है. ये सेकंड थर्ड स्टेप होता है. फाइनल स्टेप होता है फाइंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सर्फेस. आपका जो भी गॉसियन सर्फेस है उसने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है. याद रखना, गॉसियन सर्फेस ने इनक्लोज किया हुआ चार्ज चाहिए हमें. गॉसियन सर्फेस में गॉसियन सर्फेस किसने तैयार किया है, हमने तैयार किया हुआ गॉसियन सर्फेस है. सो हमने जो सर्फेस तैयार किया है वो कितना चार्ज इनक्लोज करता है वो पता होना चाहिए. एंड लास्ट स्टेप, यूज दिस फॉर्मूला. ये वाला जो फॉर्मूला है गॉस लॉ का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा. सो यूज दिस फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस बार इक्वल टू क्यू एनक्लोज, कितना चार्ज इन है उसके अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ट्राई करते हैं कि ये जो ई है जहां पूरे गॉसियन सरफेस पे जहां कहीं पे भी ये ई आ रहा है वो यूनिफॉर्म हो. अगर यूनिफॉर्म होता है तो इस ई को हम बाहर ले लेते हैं. सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार इज नथिंग बट द, ये ई को अगर मैंने बाहर ले लिया यानी पूरे गॉसियन सरफेस में जहां पे भी वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. अगर ऐसे पकड़ा मैंने तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है. अगर वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन में रह जाता है सिर्फ डीएस. सो डीएस मीन्स बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्मली पास हो रही है. ठीक है, सो ये वाला सरफेस एरिया ले लिया हमने. सो ये ब्रीफ स्टेप्स हैं जहां से जिसको यूज करके हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. अब यहां पे हम बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट देखने वाले हैं कि हाँ, अगर एक स्पेरिकल शेल है, शेल मीन्स हॉलो स्पीयर, अगर एक हॉलो स्पीयर है तो हॉलो स्पीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो मैंने तीन पॉइंट लिए, एक पॉइंट इनसाइड द स्पीयर लिया, एक पॉइंट ऑन द स्पीयर लिया, एक पॉइंट आउटसाइड द स्पीयर लिया. तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स की वजह, तीन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करना. सो विल ट्राई टू डू दैट. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये वाला, चलो ये वाला जो स्पीयर है इस स्पीयर पे चार्ज है. याद रखना ये पूरा चार्ज स्पीयर है, यानी इसके पूरे सरफेस पे चार्ज है. ठीक है ना, सो इस चार्ज स्पीयर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. हम कितनी कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं, तीन पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे, ए बी एंड सी. सी इज आउटसाइड द स्पीयर, बी इज ऑन द स्पीयर एंड ए इज इनसाइड द स्पीयर. ये देखो ये शेल है, शेल है, इसका मतलब अगर ये चार्ज स्पीयर अगर मैं कहता हूं तो चार्ज स्पीयर है ये. अब इस चार्ज स्पीयर के सरफेस पे चार्ज है बिकॉज अंदर कुछ है ही नहीं. सो इट्स अ शेल. अगर शेल है इसका मतलब अंदर कुछ नहीं है, सरफेस पे चार्ज है पूरा, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे
सरफेस पे रखा हुआ है। नाउ मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाला हूं व्हेन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल के रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। एक्चुअली ये हम कर चुके हैं थोड़ा सा। सो ये एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट एट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। सो सेंटर ऑफ द स्पीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है ये। अब यहाँ पे ये जो स्पेरिकल सरफेस है, इस स्पेरिकल सरफेस पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से सी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है एज पर द स्टेप्स। तो मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। उसको पकड़ के मैं एक अप्रोप्रिएट स्पेरिकल अप्रोप्रिएट गॉसियन शेप तैयार करता हूँ। तो ये मैंने गॉसियन शेप तैयार कर लिया, ये वाला सिमिलर हम कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग लिटिल बिट फास्टर। सो ये वाला जो सर्फेस है, इस वाले सर्फेस को हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद ये गॉसियन शेप ले लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हाँ इस गॉसियन शेप को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब देखो ये वाला जो सरफेस है, ये पॉजिटिव वाला, ये वाला जो स्पेरिकल शेल है, शेल के सरफेस पे चार्ज है। इस चार्ज की वजह से ये वाला पॉइंट ले लो, 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 ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पे एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। इसका मतलब मैंने जो आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ EDS में से E बाहर निकल जाता है। तो E अगर बाहर निकल गया है तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्पीयर। यानी ये गॉसियन स्पीयर है ना ये। सो गॉसियन स्पीयर जो है, गॉसियन स्पीयर का ये टोटल सरफेस एरिया है S। सो टोटल बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग दिस गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट E into S। ये मिल गया मुझे। अब इसके बाद मुझे ये भी पता है कि बाय गॉस लॉ टोटल टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस इज नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी ये बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स मुझे ये पता है, बाय गॉस लॉ ये पता है, इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। सो मैंने उन दोनों को इक्वेट किया। सो ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π r² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कल हमने किया था। अब ये किसके लिए हुआ, ये हुआ व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल के आउटसाइड में है वो पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। अब दूसरा एक स्पीयर लिया मैंने, वो भी चार्ज स्पेरिकल शेल ही है, चार्ज स्पेरिकल शेल है, चार्ज स्पेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है, और जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यानी ये स्मॉल आर विच इज नथिंग बट कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर आर डिस्टेंस पे, इसका मतलब कहाँ पे होगा वो, यस वो होगा सरफेस ऑफ द शेल पे, शेल के सरफेस पे है ये। सो शेल के सरफेस पे अगर ये पॉइंट है तो इसका मतलब मुझे सबसे पहली बात ये पॉइंट को डिफाइन करना है, तो ये पॉइंट डिफाइन हो गया। दूसरा उस पॉइंट को पकड़ के गॉसियन शेप तैयार करना है, तो मैंने गॉसियन शेप तैयार कर लिया। अब देखो यहाँ पे बी ऑन द सरफेस है, तो मैंने क्या किया, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, जस्ट आउटसाइड दैट शेल मैंने गॉसियन सरफेस तैयार किया, जस्ट आउटसाइड। हाँ, सो अगर जस्ट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस अगर मैंने गॉसियन शेप तैयार कर लिया, तो वो वाला जो शेप है, वो वाला शेप क्या कर रहा है कि टोटल चार्ज, वो जो सरफेस है वो कितना इनक्लोज कर रहा है, सॉरी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सेम जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के लिए किया था वैसे ही, सारे सरफेस पे सभी जगह पे ई कॉन्स्टेंट है। सो वो बाहर आ गया, सो रह गया एस। सो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला क्यू जो है, ये कौन सा क्यू है, ये क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। चार्ज एनक्लोज किसने किया हुआ, चार्ज एनक्लोज गॉसियन सरफेस ने किया हुआ एनक्लोज चार्ज है। सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, अगर ये चार्ज स्पीयर है तो इस पे चार्ज अगर मैं क्यू कंसिडर करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन स्पीयर ने इनक्लोज करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला टोटल चार्ज इसने इनक्लोज करके रखा हुआ है। सो ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π r² ε₀। यानी ये वाला जो है ये गॉसियन स्पीयर का सरफेस एरिया है। लास्ट इसमें भी हमने किया था, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, 4π r² लिया था। क्यों वहां पे स्मॉल r स्क्वेयर लिया था, क्योंकि वहां पे गॉसियन सरफेस जो है उसका रेडियस कितना था, स्मॉल r था, तो इसलिए हमने वो बड़ा वाला लिया था। यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r ही है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r है, इसलिए मैंने यही ले लिया, ठीक है। ये दूसरी केस हुई, पहली केस हुई जब शेल के बाहर था, दूसरी केस शेल के ऑन द शेल था, अब तीसरी केस इनसाइड द शेल। सो
इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल अगर मैं जब बात करने की कोशिश करता हूं, तो अब देखो यहां पे ये इनसाइड द शेल है, इनसाइड द शेल यानी यहां पे सी पॉइंट यहां पे है। अब सी पॉइंट यहां पे मिल गया, उसको पकड़ के मैंने गॉसियन शेप तैयार कर लिया। ये वाला जो गॉसियन शेप है, इस वाले गॉसियन शेप ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है? तो कुछ भी नहीं, बिकॉज इट इज अ शेल। अगर शेल है तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे है। और अंदर क्या है इसके? कुछ भी नहीं। यानी इस गॉसियन शेप ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है? जीरो। इसलिए मैंने यहां पे ई एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज ये क्यू कौन सा होता है? क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर, क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर। अगर क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर कितना है? जीरो है। तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। इसलिए किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर, हॉलो शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अगर ये ऐसे नहीं होता, अगर ये रैंडम भी होता और उसके अंदर हॉलो होता और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया होता, तो इस पॉइंट को पकड़ के अगर मैं गॉसियन शेप तैयार कर रहा हूँ, तो इस गॉसियन शेप ने कुछ भी चार्ज इनक्लोज करके नहीं रखा हुआ है। सो इसका इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी? जीरो। सो मुद्दा यही है कि कोई भी स्फेरिकल शेल ले लो, तो उसके अंदर जो होती है चार्ज भी होगा, लेकिन फिर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट्स ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे इजी जाता है हमें समझने के लिए। सो यहाँ पे समझ में आ गया। सो मैंने तीन पॉइंट्स लिए थे, ये पॉइंट ए अंदर लिया था, ये पॉइंट बी ऑन द लिया था, और ये पॉइंट सी बाहर लिया था। सो अगर मैं उनको प्लॉट करूँ कि जैसे जैसे ये स्मॉल आर जो है वो स्मॉल आर जीरो से लेके बढ़ता जा रहा है अप टू द इन्फिनिटी, ये स्मॉल आर मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ द शेल से वो बाहर जैसे 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 जा रहा है वैसे वैसे हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब पॉइंट ए कंसिडर करता हूं, दैट मीन्स वेन एवर आई कंसिडर द पॉइंट विच इज इनसाइड द शेल एट दैट टाइम, हाँ ये सॉरी, हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं ई वर्सेस आर, यानी आर के साथ ई कैसे कैसे चेंज होता है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो जब कभी भी आर इज लेस देन कैपिटल आर होता है, तो हमने फाइंड आउट किया था कि ई ए, यानी जब कभी भी पॉइंट इनसाइड द शेल होता है, यानी स्मॉल आर से सॉरी कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू कम होती है, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जैसे ही स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, उसकी वैल्यू बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है क्यू अपॉन फोर पाए आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, फोर पाए आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब खट करके आर आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ई सी, यानी जैसे ये पॉइंट अब आउटसाइड जाना शुरू कर देता है, जैसे जैसे दूर जाना शुरू कर देता है, वैसे वैसे ई सी इज इक्वल टू फोर पाए स्मॉल आर स्क्वेयर बन जाता है। और ये आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ई सी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब, और ये डिवीजन में आर स्क्वेयर है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियली कम होती है वैल्यू, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाता है। यानी स्पेरिकल शेल की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ मिलती है? उसके सरफेस पे मिलती है। देन ये कम हो जाना शुरू हो जाती है और अंदर ये जीरो होती है। यहाँ पे और एक मुद्दा आता है कि सर आपने यहाँ पे सभी जगह पे सेंटर से डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए, लेकिन सेंटर पे चार्ज कहाँ है? तो आप चार्ज दो, जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जब कभी भी डिस्टेंसेस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम चार्ज टू चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे चार्ज कहाँ है? तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट पिक्चर में आती है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे सेंटर ऑफ चार्ज होता है। यानी हम स्फेरिकल शेल अगर चार्ज्ड है, तो ये स्फेरिकल शेल जो है वो अगर मुझे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करनी है, तो मुझे कहाँ पे कन्वर्ट, कहाँ पे वो पॉइंट लेना पड़ता है कि ये टोटल स्फेरिकल चार्ज शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट होता है ये, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास जैसा ही कंसेप्ट है सेंटर ऑफ चार्ज। इसलिए हम सेंटर से उसके डिस्टेंसेस ले रहे हैं, दो देर इज नो चार्ज एट द सेंटर, गेटिंग द पॉइंट? सो देर इज नो चार्ज एट द सेंटर, फिर भी हम सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया स्फेरिकल शेल के लिए। अब हम ट्राई करते हैं सॉलिड स्पीयर के लिए। ये पूरा का पूरा स्पीयर, सॉलिड स्पीयर जो है वो पूरा का पूरा चार्ज से भरा हुआ है। सिर्फ सरफेस पे चार्ज नहीं है, उसके अंदर भी पूरे वॉल्यूम में सभी जगह पे चार्ज भरा हुआ है। अगर ऐसे चार्ज भरा हुआ है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्पीयर फाइंड आउट करना है। कहाँ कहाँ पे? व्हेन इट इज इनसाइड ए पॉइंट, ऑन द पॉइंट, सर ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे, ऑन द शेल पॉइंट, सॉरी ऑन द स्पीयर पॉइंट पे, और एक बाहर वाले पॉइंट पे। जैसे हमने शेल के लिए किया था, वैसे ही हमें सॉलिड स्पीयर के लिए करना है। सो सबसे पहले कंसिडर अ सॉलिड स्पीयर, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, मैंने एक, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस सॉलिड स्पीयर,
इस सॉलिड स्पीयर पे चार्ज क्यू कंसिडर कर लो, तो इस क्यू चार्ज की वजह से सॉलिड स्पीयर की चार्ज क्यू की वजह से ये जो सॉलिड स्पीयर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे अगेन गॉस लॉ से ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पॉइंट डिफाइन कर लिया, ये वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कितना है, आर है। सो सेंटर ऑफ चार्ज से आर डिस्टेंस पे है वो, उसको पकड़ के हमने एक गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया। अब ये गॉसियन सरफेस जो तैयार कर लिया, इस गॉसियन सरफेस पे सभी पॉइंट पे सभी यूनिट एरिया पे सभी सरफेस एरिया पे ई इज कांस्टेंट, सो टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग दिस होल सरफेस इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन गॉस लॉ तो बताया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ, तो अगर ये दोनों सेम ही है तो मुझे इक्वेट करने पड़ते हैं। सो ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एस जो है, ये एस क्या है, एस इज द सर्फेस एरिया ऑफ गॉसियन सर्फेस, ये वाला गॉसियन सर्फेस, तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर स्पीयर है ना, स्पेरिकल गॉसियन सर्फेस है। अब यहाँ पे ये मिल गया मुझे फाइनल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि अगर अंदर शेल है या फिर अंदर सॉलिड स्पीयर है, इट डजेंट मैटर, बिकॉज दोनों अगर क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों जगह पे ये जो गॉसियन सरफेसेस है वो क्यू चार्ज ही एनक्लोज कर रहे हैं, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट सॉलिड स्पीयर और दैट स्पेरिकल शेल दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होने वाली है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ सॉलिड स्पीयर और वेदर इट इज अ स्पेरिकल शेल। वैसे ही दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, दूसरी जगह पे भी ये पूरा का पूरा शेल जो है वो, सॉरी पूरा का पूरा स्पीयर जो है वो चार्ज स्पीयर है, ये सभी जगह पे चार्ज है, भरा हुआ है चार्ज इसमें, नॉट जस्ट ऑन द सरफेस, पूरे अंदर वॉल्यूम में भरा हुआ है। तो आर इज इक्वल टू आर, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर एक पॉइंट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इस डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज, देन उस पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी सरफेस पे। ये बी पॉइंट कहाँ पे है, सॉलिड स्पीयर के सरफेस पे, अगर सॉलिड स्पीयर के सरफेस पे वो बी पॉइंट है तो उसको पकड़ के मैंने गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया। अब ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो मैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस ले लेता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड वाइज यूनिफॉर्म है सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद गॉस लॉ मुझे बताता है कि फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा क्यू, पूरा का पूरा स्पीयर ही इनक्लोज करके रखा हुआ है, सो पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है, सो क्यू, सो ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली लाइक स्पेरिकल शेल, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये एस क्या है, अगेन एस इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्पीयर, रेडियस ऑफ गॉसियन स्पीयर याद रखना, ये ई ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द गॉसियन सरफेस एरिया, एस टोटल सरफेस एरिया थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली, ठीक है, क्यू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन स्पीयर, यानी ये सभी जगह पे गॉसियन स्पीयर है, यानी ये इस ये वाला जो अंदर वाला जो स्पीयर है उसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं रहे, पूरा का पूरा गॉसियन स्पीयर के बारे में ही बात कर रहे हैं, याद रखना। सो यहाँ पे गॉसियन स्पीयर, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, ठीक है ना, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल आर है लेकिन ऑन द सर्फेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर जो है यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, सो यहाँ पे भी वही है, यानी शेल में हो या फिर सॉलिड स्पीयर में हो यही सेम आने वाला है, फर्क पड़ता है थर्ड पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक एक सरफेस है, ठीक है ना, एक सरफेस सॉरी एक सॉलिड स्पीयर है, ये जो सॉलिड स्पीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, इस सॉलिड स्पीयर पे टोटल चार्ज क्यू है, तो मुझे अंदर एक पॉइंट है, ठीक है ना, अंदर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर विच इज लेस देन कैपिटल आर, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट इनसाइड इनसाइड दैट स्पीयर है, तो वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो अगेन क्रिएट अ गॉसियन, ठीक है ना, तो मैंने वो पॉइंट डिफाइन कर लिया, वो पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज है, उसको पकड़ के मैंने एक गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया, ये वाला गॉसियन सरफेस तैयार किया मैंने। अब ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, इस वाले गॉसियन सरफेस पे सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ड्यू टू द चार्ज, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है सभी जगह पे, स्पीयर है स्पीयर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है सभी जगह पे। उसके बाद एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, यानी अंदर वाला सरफेस पे। दूसरा फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे फर्क आता है,
क्या गॉसियन स्फीयर ने पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज करके रखा हुआ है? नहीं, उस पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ इसके अंदर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज उसने एनक्लोज करके रखा हुआ है, बाहर वाला चार्ज तो उसने एनक्लोज किया ही नहीं है। सो क्यू डैश इज बेसिकली चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर इनसाइड इट। सो ये वाला क्यू डैश, तो ये क्यू डैश कितना है तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे ये क्यू डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ठीक है ना, क्यू डैश इज चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन स्फीयर, तो ये वाला चार्ज मुझे अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ता है ये, व्हाट इज दिस, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कूलोम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है ये, ये क्या है, ये है चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ओवर ऑल ओवर दिस सॉलिड स्फीयर। इस टोटल सॉलिड स्फीयर पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो इतना है। तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इतना है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। ये वाला जो गॉसियन स्फीयर है उसने कितना वॉल्यूम इनक्लोज करके रखा हुआ है, उतने वॉल्यूम में जितना चार्ज है उतना उस गॉसियन स्फीयर ने इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो मुझे बस क्या करना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस होल स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर। तो मुझे क्या, हेंस मुझे क्या मिलता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर। देखो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर मींस स्मॉल आर क्यूब मींस गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सो क्यू डैश, सो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 बाय 3 पाय आर क्यूब इंटू 4 बाय 3 पाय स्मॉल आर क्यूब। सो ये 4 बाय 3 पाय कट जाता है, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब ये मिल जाता है मुझे, ये वाली वैल्यू मिलती है मुझे। अब ये वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 3, ये तीन इक्वेशन मिल जाते हैं मुझे। इन तीन इक्वेशन के हिसाब से, इन तीन इक्वेशन के हिसाब से आई कैन पुट दैट ई एस, ये ई एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू डैश की वैल्यू पता है, वो क्यू डैश की वैल्यू कितनी निकाली हमने, इतनी। सो क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू मिली मुझे। सो मुझे पता है कि सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब होना चाहिए, ये क्यूब है ठीक है ना। सो क्यू आर अपॉन 4 बाय 3 आर 4 पाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे फाइनल वैल्यू मिलती है ई की, वेन इट इज इन साइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अगर अंदर एक पॉइंट कंसिडर करता हूं तो वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, इतनी मिलती है। अगर ये वाला जो सॉलिड स्फीयर, ये वाला जो ए पॉइंट है, अगर मैं और थोड़ा बाहर लेता हूं तो ये क्यू बढ़ जाएगा, क्यू एन सॉरी क्यू एन क्यू डैश बढ़ जाएगा, क्यों, क्यू एनक्लोज बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रही बात, ये क्यू एनक्लोज बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे मैं बाहर बाहर जाता जाऊंगा वैसे वैसे ए अगर जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, इनसाइड द स्फीयर लेकिन सेंटर से दूर जा रहा है, वैसे वैसे आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है और चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन स्फीयर भी बढ़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन स्फीयर भी बढ़ रहा है। अगर चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन स्फीयर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, यानी एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे अगर मैं ए लेता हूं, एग्जैक्टली सेंटर पे ए लेता हूं, तो वहां पे चार्ज इनक्लोज्ड जीरो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगी। लेकिन जैसे जैसे ए बाहर आना शुरू हो जाता है, आई जस्ट रब इट ऑफ, थोड़ा ये हो गया है। सो अगर मैं ए पॉइंट यहां पे ले लेता हूं एकदम एग्जैक्टली अंदर, यहां पे अगर मैं ए पॉइंट ले लेता हूं तो चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे जैसे ए पॉइंट बाहर आना शुरू होता है वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे वैसे हर एक पॉइंट पे जब मैं गॉसियन स्फीयर तैयार करूंगा तो उस गॉसियन स्फीयर ने एनक्लोज किया हुआ चार्ज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर एनक्लोज किया हुआ चार्ज भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे जैसे सेंटर से मैं दूर जाता हूँ इनसाइड द गॉसियन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी यहाँ पे क्यू कॉन्स्टेंट है ठीक है ना, फोर कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना स्मॉल आर बढ़ेगा उतना ई बढ़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, लेकिन ये कहाँ पे, इनसाइड इनसाइड यानी इनसाइड इनसाइड यानी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को एक जगह पे करके देखते हैं,
ठीक है ना। सो ये वाला सॉलिड स्पीयर है, पूरा का पूरा सॉलिड स्पीयर, वो भी चार्ज सॉलिड स्पीयर है। अगर चार्ज सॉलिड स्पीयर, इसका मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम में सभी जगह पे चार्ज भरा हुआ है इसमें। उसमें तीन पॉइंट कंसिडर किया मैंने, ये ए पॉइंट कंसिडर किया, बी पॉइंट कंसिडर किया, सी पॉइंट कंसिडर किया। इन तीनों की जगह पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर ली, तो मुझे उसको पुट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं वाई डायरेक्शन में ई कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में आर कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई ए, यानी अगर पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्पीयर होता है तो मुझे इतनी वैल्यू मिलती है, इनसाइड द सॉलिड स्पीयर मिलता है तो ई ए की वैल्यू इतनी मिलती है मुझे। इसका मतलब इनसाइड द सॉलिड स्पीयर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर रिलेशनशिप है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ऑल्सो, ठीक है ना, लीनियर एंड दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपको ग्राफ मिलेगा एग्जैक्टली ऐसे, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही बात। जहां पे r इज इक्वल टू जीरो होगा वहां पे e ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे e बढ़ता जाएगा, दैट टू लीनियरली, बिकॉज e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जब वो सरफेस पे पहुंच जाता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उसकी ई बी की वैल्यू कितनी मिल, ई बी यानी सरफेस पे चार्ज पहुंच जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाती है, क्यू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू मिलती है जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बन जाता है। सो ई बी की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाना शुरू हो जाता है, तो एग्जैक्टली लाइक स्पेरिकल शेल, सॉलिड स्पीयर में भी क्या होता है, सॉलिड स्पीयर में भी ई सी इज इक्वल टू q अपॉन फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी मुझे कितना मिलता है, e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर स्क्वायर। तो मुझे ग्राफ कैसे मिलता है, दिस इज द ग्राफ, यानी ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ और जो हॉलो शेल था, हॉलो शेल वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ सिमिलर दिखते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जीरो टू आर वाला पैटर्न। ये जीरो टू आर वाला जो पैटर्न है, जीरो टू आर वाला यानी इनसाइड द शेल, तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, लेकिन सॉलिड स्पीयर जो होता है, सॉलिड स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अगर सॉलिड स्पीयर में पूरा भर के अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीजेस विद द स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर के हिसाब से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने गॉस लॉ यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ही यूज करके पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फॉर द सॉलिड स्पीयर एंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे हमें पता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। इससे आप ट्राई करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए बी सी, हॉलो शेल के लिए भी ए बी सी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू।